भगवान ने सबको समझाया, सबको बिठाया, कहा ऐसे ही प्रीत आनंद चलेंगे, कोई बात नहीं, मैं बतलाता हूँ, सिखाता हूँ। ऐसा करते हैं, एक छोटा सा कोई कोचिंग सेंटर बना लेते हैं, सुविधा हो जाएगी, जो काम करना है उसकी जानकारी थोड़ी विस्तृत मिल जाए, थोड़ी शिक्षा प्रद मिल जाए, तो पूरी जिंदगी वो हमारा पढ़ा हुआ सीखा हुआ बना रहेगा। तो भगवान ने कहा, अब भगवान भी भगवान ही है कि क्यों उनका प्रस्ताव को कोई भी बदल सकता नहीं। तो कहा ठीक है, ऐसा तो कर सकते हैं, मैं हेल्प करूंगा, पर क्या बोलेंगे, कहां कहां पे आना है। अब ये कथा भागवत की हो रही है तो एक प्रश्न है ना कि कहां पे हो रही है, तो आप क्या बोलते हो, कहां हो रही है। अब हिंदू सेंटर कहां पे है ये आपको बताने की जरूरत, वो पता, वो सुविधा है, गाड़ियों में भी है और हर जगह पता चल जाता, ढूंढ ही देता बंदा। तो ग्वाल वालों ने मधुमंगल श्री रामा आदि ने कहा, कन्हैया हम चलो ग्रुप तो बना देंगे, पर इस ग्रुप की पहचान क्या होगी, कुछ तो नाम होगा। तो ठाकुर ने कहा, हाँ नाम तो मैंने सोचा हुआ है और बढ़िया से मुहूर्त निकलवाया हुआ है, त्रिपाठी जी ने बताया हुआ है। कहा क्या नाम है, कहा बाल गोपाल चोरी मंडली। अब एडमिशन लो, रसीद कटवाओ, हो गया एडमिशन, शुरू हो गया। भगवान का कोई भी प्रस्ताव कभी भी विलंब नहीं हो सकते, और सब लोग उसमें सम्मिलित होते गए और भगवान का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस रहा, सफलता मिली। पहली रात ही बहुत बढ़िया से गई और माखन की पूरी उनको सुविधा मिली। तो सुबह सुबह वो आ रहा था, मधुमंगल आ रहा था, तो जिस घर में चोरी किया था उसी घर के दरवाजे से वो जा रहा था। अब वो जा रहा था तो बाहर जब कोई चीज ऐसा हो तो बाहर गांव में किसको बिठाते थे, बात है हाँ। अब क्या कर बेचारी इसी काम के, माता जी, दादी जी, चाई जी, इतने रह गए, तुम माला फेर दे रहे, मैं चाय थे ले जाऊ, जगह बता दिया गया। अब वो बुढ़िया बैठी थी माला लेके, तो उधर से ही वो निकला, तो उसने कहा वाह मधुमंगल सुरे सुरे गप्पा मिल गए, कहाँ से लाया। उसने कहा चाची हम गरीबी, मेरे घर गाय नहीं है ना, तो गरीबों के तो भगवान ही होते हैं, भगवान का प्रसाद है, कन्हैया ने दिया, खाएगी क्या। बोलते बोलते वो तो बुढ़िया के पास आके खड़ा हो गया। अब उस बुढ़िया का ध्यान मक्खन पे तो कम था, मटकी पे ज्यादा थी। उसने कहा ऐसी मटकी तो मेरे घर में थी, ये पूरी की पूरी जो डिजाइन है तो सारे मेरे घर वाली मटकी। शिकार तो यही खर्चा दो मिनट मैं आ गया। अब वो गई अंदर क्या करने के लिए, देखने के लिए। उसने कहा अगर माता जी देख के आ गई फिर तो भागना भी हमें मुश्किल हो जाएगा, आप पीछे पीछे डंडा लेके। बड़ी विचित्र महा अद्भुत बड़ी विस्तृत कथा है तेरी लीला की, भगवान की कथा हमारी मन स्थिति की व्यथा को दूर करने वाले है। लीला केवल कानों से सुनकर के शरीर से हर्षित होने का विषय नहीं है, लीला अपने चित्त के साथ जोड़ने का है, मन के साथ निमग्न करने का एक साधन है, सरल सा साधन है। नाम जपत कोड़ी भला चुई चुई गिरे जो चाम, अरे वो काया किस काम की चामुख नाही नाम। तो चित्त के साथ भगवान की लीला और प्रभाव को जोड़े, मन के साथ हम इसको जोड़े, तो लीला से
लीला में तद्रूप होने से लाभ क्या है? कहा लयनम यस्य सा, लयनम यस्य सा लीलया। लीला क्या है? जो हमें अपने में लय कर, लय भजन गाते नहीं हो, लवलीन तुम्ही में हो जाओ पागल समझे संसार मुझे, हे बांके बिहारी गिरधारी रख चाकर अपने द्वार मुझे, लवलीन तुम्ही में हो जाओ। पानी का कतरा बस सागर में मिल गया, ऐसी ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, आत्मसत्ता भगवत सत्ता बन जाए, इसलिए आश्रय हमें प्रभु के लीला मृत का लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो बहुत सुंदर भगवान की ये बाल लीला है और इसकी कल्पना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कल भगवान अपने घर में, क्योंकि माँ बाप के आगे तो पग चलती नहीं ना किसी की, तो वहाँ यशोदा मैया के साथ थोड़ा सा संवाद, वात्सल्यपूर्ण संवाद होगा। और कल मेरे कल हाँ गिरिराज पूजन है, गिरिराज का पूजन है। गिर कहते हैं पहाड़ को, पर्वत को, और राज माने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। उस समय में जो सर्वोच्च पर्वत था, सर्वश्रेष्ठ पर्वत था, सबसे विशाल पर्वत था, उसका नाम था गोवर्धन, गोवर्धन। तो कल हम गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा भी कर लेंगे, तो कल ये चर्चा होगी। भगवान आप सबको इस सुयोगी बनाए कि आपको इस कथा का अवसर सुलभ होता रहे। बड़ी ही सहजता से आपने इस समय को सार्थक किया है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद और सद्भाव व्यक्त करता हुआ माननीय परशुराम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अञ्जनानन्दनम्बीरम् जानकीशोकनाशनम् कपीशमध्यहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। अभी आप लोग उस महाप्रभु की जनतानंद ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर है, जब तक उसकी कृपा न हो तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, और मनुष्य के बाद में उसकी कृपा संतों की होती है तो सत्संग मिलता है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि जन्माष्टमी के महापर्व पर श्रीमद् भागवत महायज्ञ की कथा का श्रवण हम कानों में कर रहे हैं। सत्संग का प्रभाव इतना होता है कि एक घड़ी आधी में भी याद तुलसी संगत साधु हरे को अकराध, एक लड़की को छड़मात का सत्संग कहां से कहां प्रभु का भक्त बना दिया। तो हम लोग भी यह शुभ अवसर पंचतुला से पधारे हुए स्वामी 108 सरसन जी महाराज के द्वारा भगवान से अमृत में कथा का पान कर रहे हैं, भगवान की बाल लीला का स्वादन कर रहे हैं। तो यह कथा का प्रभाव रविवार तक चलता रहेगा। कल का समय जो है वह 7 से 8:30 का है, रविवार का 6 से 7:30 का है। तो कल गिरिराज गोवर्धन भगवान की पूजा, इस पूजा में भी स्वयं पूज्य भी वही है,
बुझाने वाले भी वही हैं और पुजारी भी वही हैं। ये भगवान की दिव्य लीला है। इस लीला का आप लोग दर्शन भरपूर करें, ये हमारा सौभाग्य होगा। और इसके बाद में शनिवार को प्रणय क्या होगा महाराज जी? रुक्मणी मंगलम विवाह, उसकी बड़ी प्रसिद्ध कथा है। रुक्मणी की प्रार्थना पर भगवान पहुंचे थे, ये आपको विस्तार पूर्वक व्यासपीठ विराजमान शेषल जी महाराज आपको समझाएंगे, उसका श्रवण करें। तो यह यज्ञ समापन दिवस रविवार तक का है, तो आप अपने मित्रों के साथ में, कहा जाता है किसी को सद्धर सत्कर्म में आप लगावे तो 10% पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप इस शुभ मंगल में, भक्ति में, आनंद में कथा का स्वादन करें। श्री व्यासपीठ में विराजमान के चरण कमलमन करते बाद के प्रसंग को यही समापन करने जा रहे हैं। अब आरती होगी भगवान की, आरती के लिए आप सभी लोग खड़े हो जाए। Shaka
सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण
सेव किया।